भारत का एक फ्रीगेट डूब रहा है, जानेंगे भारत इसे क्यों नहीं बचा पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में घमासान चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 21 जुलाई रात के करीब 11 बजे जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हाथ खींच लेते हैं। उन्होंने 28 जून की प्रेसिडेंशियल डिबेट हारने के करीब एक महीने बाद ये फैसला किया। पार्टी लगातार बाइडेन पर दावेदारी वापस लेने के लिए दबाव बना रही थी। अब अपना नाम वापस लेते हुए बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना है। हालांकि अभी कमला के नाम पर पार्टी की मुहर लगनी बाकी है। कमला उम्र में बाइडेन से काफी छोटी है, विपक्ष के हमलों का जवाब देने में माहिर है। ब्लैक वोटर से लेकर महिलाओं तक में उनकी पैठ है और कहा जा रहा है कि हो सकता है बहुत सारी चीजें ट्रंप के लिए भारी पड़े। पहली बात यह है, युवा नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीब 22 साल छोटी हैं। अगर वो अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई जाती है तो पार्टी के अंदर वो एक नई पीढ़ी का नेतृत्व करेंगी। इस तरह अमेरिकी युवाओं में बाइडेन की वजह से जो आकर्षण कम हुआ है, वो लोग हैरिस के नाम पर फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ेंगे। बीते दिनों में युवाओं के बीच बंदूक, हिंसा और भी कई सारे मुद्दे पर बोलकर हैरिस काफी लोकप्रिय हुई है। भारतीय मूल की कमला हैरिस फिलहाल 59 साल की है। वे न सिर्फ बाइडेन बल्कि उम्र में ट्रंप से भी काफी छोटी हैं। दोनों की उम्र में 19 साल का अंतर है। वैसे वो ट्रंप को ज्यादा मजबूती से टक्कर दे पाएंगी। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मामले को हल करने का एक्सपीरियंस। अमेरिका की राजनीति में देश और विदेश दोनों ही बहुत अहम होते हैं। कमला हैरिस जो बाइडेन के बाद पार्टी के दूसरे सबसे बड़े अनुभवी नेताओं में से एक है। अमेरिका की एक बड़ी आबादी को लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है। इजराइल या यूक्रेन को लेकर कमला का रुख बाइडेन से ज्यादा अस्पष्ट रहा है। वह यहूदी देश इजराइल की कट्टर समर्थक है। इंटरनेशनल इशू पर स्पष्ट सोच रखने की वजह से वह इजराइल के कट्टर समर्थक अमेरिकी लोगों का वोट अपनी ओर कर सकती है। तीसरा, ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब मिलेगा। अमेरिका में चुनावी बिगुल बजने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध में जवाब दे रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला को छोड़कर ट्रंप के आरोपों पर कोई नेता साफ गोई से नहीं बोल पाता है। 18 जुलाई को उत्तरी कैरोलिना में एक जनसभा के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप के एजेंडे पर एक जोरदार हमला किया। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट में ये चर्चा हो गई कि डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस इकलौती नेता है जो ट्रंप को उसी के अंदाज में जवाब दे सकती है। चौथा है, बाइडेन की पर्सनैलिटी के बजाय ट्रंप के खिलाफ कैंपेन शुरू होगा। अब तक चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप सीधे बाइडेन की पर्सनैलिटी को लेकर सवाल करते थे। वे बाइडेन की उम्र, याद रखने की शक्ति, लड़खड़ाते हुए चलने पर, इन सब पर बात करते थे। लेकिन अब यहाँ पर बात होगा कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाए। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो काम आने वाले हैं कमला हैरिस के। पहला, अश्वेत वोटर्स जो 10 राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। दूसरा, एशियाई वोटर्स। कमला हैरिस की माँ श्यामला गोपलन भारतीय हैं। एशियाई जड़ों से जुड़े रहने की वजह से एशियाई वोटर्स का साथ मिल सकता है। यहूदी वोटर्स, कमला हैरिस के पति डगलस एमोफ एक यहूदी है। कमला हैरिस को पति के यहूदी होने का फायदा मिल सकता है। महिला वोटर्स, यहाँ से भी उन्हें फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीजें इतना आसान नहीं होने वाली हैं। बहुत सारी चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो ये सोच कर बैठे हैं कि पूरा का पूरा माहौल उनकी तरफ है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको एक सरप्राइज मिल जाए। हालांकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अभी मांग कर रहे हैं कि आखिर जो बाइडेन कहाँ है, उनके बारे में सही सही रिपोर्ट दो। और डोनाल्ड ट्रंप कभी इन्होंने $6,000 कमला हैरिस के कैंपेन के लिए दिया था जब ये राष्ट्रपति नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो US इलेक्शन जीत जाए। इनकी कामना कई सारे देश कर रहे हैं। बात भी सही है कि उत्तर कोरिया भी इनका इंतजार कर रहा है।
भारत के जो एक्स इन्वॉय रहे हैं अमेरिका में, उन्होंने भी कहा है कि बहुत ज्यादा चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेसिडेंशियल पोल को जीते। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, दुनिया में प्रिडिक्शन के उलट बहुत सारी चीजें हो रही हैं और कहीं ऐसा ही कुछ न हो जाए इनके साथ भी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नेवी के वॉरशिप INS ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना हुई है। कहा जा रहा है मल्टी रोल फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र में 21 जुलाई की शाम मेंटेनेंस के दौरान आग लग गई। डॉकयार्ड में तैनात फायर फाइटर्स की मदद से शिप के क्रू ने 22 जुलाई की सुबह तक आग पर काबू पाया। आग काफी भीषण थी जिसकी वजह से डॉकयार्ड की तरफ वाला शिप का हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हो गया और शिप एक तरफ झुक गया। हादसे में एक सेलर लापता हो गया जिसकी तलाश जारी है। नेवी ने घटना की इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। फिलहाल ये चेक किया जा रहा है कि आग लगने का कोई और रिस्क तो नहीं है। इससे पहले 19 जुलाई को गोवा के तट के पास एक कार्गो शिप में आग लग गई थी जिस पर 21 जुलाई को काबू पाया गया। MV मेसर्क फ्रैंकफर्ट नाम का यह शिप 1154 कंटेनर्स लेकर गुजरात के मुंद्रा से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। इसमें बेंजीन और सोडियम साइनाइड जैसे केमिकल थे। इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी के अनुसार जहाज पर 22 क्रू मेंबर थे जिनमें से एक की मौत हो गई। इनमें फिलीपींस के 17, यूक्रेन के 2, रूस और मोंटेग्रो के एक एक लोग शामिल थे। मरने वाले क्रू मेंबर्स के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से विस्फोट हुआ और आग तेजी से डेक पर फैल गया जिससे कंटेनरों में विस्फोट हो गया। घटना के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मनोज भाटिया ने कहा कि हेलीकॉप्टर की मदद से ड्राई केमिकल पाउडर शिप पर डाला गया जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मदद मिली। शिप के जिस हिस्से में खतरनाक कार्गो रखा गया था वहां आग नहीं लगी थी। 4 जहाजों और हेलीकॉप्टरों से आग बुझाने में मदद की गई। वैसे आपको बता दूं, नेवी का ये फ्रिगेट अब वापस आने वाला नहीं है। ये आधा झुक गया है। अब पानी की वजह से इसे धीरे 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 ये डूब ही जाएगा। इस भीषण कांड में जहाज को काफी नुकसान भी हुआ है। इस घटना में एक नाविक लापता है जिसका पता लगाया जा रहा है। नौसेना का कहना है कि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब जिस तरीके से ये झुक रहा है, झुकने का मतलब है कि अब ये धीरे धीरे पानी में डूब जाएगा। आपको बता दें INS ब्रह्मपुत्र स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला मिसाइल फ्रिगेट है और इसे अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज पर 40 अधिकारियों और 330 नाविकों का दल है। INS ब्रह्मपुत्र में मध्यम दूरी, नजदीकी दूरी और विमान भेदी तोपें सुसज्जित है। इसके अलावा इस युद्धपोत में सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और टॉरपीडो लॉन्चर हैं। ये सीकिंग और चेतक हेलीकॉप्टरों को संचालित करने में सक्षम है। अब इसके जाने से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान, एक तो फ्रिगेट को बनाने में काफी वक्त लग जाता है और दूसरी बड़ी चीज है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक हादसे क्यों होते जा रहे हैं। वैसे भारत की नेवी के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।